नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है ए के एजुकेशनल राइटिंग और मेरा नाम है अश्विनी। तो मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो वीडियोज़ है शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, अभी मैं आजकल आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 के रिगार्डिंग जो है वीडियोस बना रहा हूँ। तो देखिए, अभी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसकी रिगार्डिंग। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3rd जो है, फर्स्ट उसका पार्ट है, वो लेकर आया हूँ। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सम्स। तो प्रॉब्लम सम जो है कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि प्रॉब्लम सम जो हम करते हैं तो कुछ चीज़ें माइंड में घूमती रहती हैं कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है वो। सो पढ़ते पढ़ते हम उसको भूल जाते हैं कि छोड़ देते हैं कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये इसलिए होता है कि हम उसको ध्यान से नहीं समझते हैं उस चीज़ को। तो ध्यान से समझने का मेरा मतलब ये है कि कुछ एक वर्ड्स जो है दिए होते हैं कि वर्ड्स में ही आंसर छुपा होता है उनमें। तो उन वर्ड्स को मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या है। जैसे कि पहला वर्ड है डिफरेंस, मान के चलिए डिफरेंस है। ऑब्वियसली बात है डिफरेंस भी होने वाला है, तो छोटी क्लास का आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि डिफरेंस का मतलब सबसेक्शन होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब देखना ये है कि ये डिफरेंस जो वर्ड है किसके बीच में लिखा हुआ है, मीन्स की जो वर्ड्स है इसके नियर अबाउट क्या है। देखेंगे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ। तो देखिए, दूसरा जो है वो सम होगा। तो आपको पता है कि सम का मतलब होता है प्लस करना, सम का मतलब प्लस होता है। कई बार क्या है प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट लिखा होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर कहीं वर्ड लिखा होगा प्रोडक्ट। अब कई जगह लिखा होता है टाइम्स, टाइम्स का मतलब होगा कि कोई क्वेश्चन बोला होगा कि ये नंबर है उसके 3 times है, या किसी की एज होगी तो 3 times है। 3 times का मीन्स किया कि मल्टीप्लाई क्या होगा किसी वेरिएबल से, मान के चलो जैसे x के क्या, तो ये 3 times हो गया 3x। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास इस सम में हमारे पास 2 words दिए गए हैं, डिफरेंस और टाइम्स करके दिया गया है। तो देखिए इसको पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो इनमें से डिफरेंस और टाइम्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers इज 26। तो मैं बोल चुका हूँ डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। तो कोई 2 numbers है हमारे पास दिए हुए, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना, 26 है। एंड 1 number इज 3 times। देखिए 3 times फिर आ गया हुआ, यहाँ पर टाइम्स लिखा है कि 3 times है, वही वाला जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था आपको पहले। तो द अदर कि वो जो नंबर है कोई नंबर, वो दूसरे नंबर के 3 times है, फाइंड देम, तो हमने उसको फाइंड करना है। तो देखिए यहीं से हमको इसका आंसर मिलना शुरू हो रहा है जैसे ही हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो पहले बोला कि डिफरेंस है कोई 2 numbers में। तो देखिए अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो कॉपी पेन जरूर रखिएगा, जहां आपको लगता है कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं वहां से रिमाइंड करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो अगर मैं बोलूं कि लेट द नंबर्स तो नंबर्स है, हमने मान लिए कि एक एक्स मान लेते हैं दूसरा वाई मान लेते हैं। तो देखिए यहां हमने 2 numbers तो बोल दिया, तो द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers इज 26। डिफरेंस की बात की है तो एक, इसका कहने का मतलब यह है कि एक नंबर है वो बड़ा होने वाला है, दूसरा नंबर क्या होगा छोटा, तभी हम डिफरेंस निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो y है दैट इज ग्रेटर देन टू x, यहाँ कंडीशन लगा ली हमने पहले कि y ग्रेटर देन टू x, तभी हमने कंडीशन लगाई कि जब डिफरेंस बोला है, डिफरेंस तो तभी पॉसिबल है कि एक नंबर क्या होगा बड़ा होगा दूसरा नंबर छोटा होगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसको भी देख लेते हैं। अब चलते हैं स्टेटमेंट में, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे 2 conditions दी हुई है हमारे पास, तो यहाँ हम दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे अलग किसके बेस पे, इक्वेशन बेस पे। तो हम यहाँ इक्वेशन बना देंगे इनकी, द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers इज 26। तो देखिये डिफरेंस जो है हमने तभी पहले ही क्लियर कर दिया है कि वाई जो है बड़ा है एक्स से, तो इसका मतलब कि वाई से माइनस एक्स करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है
26, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम समय इक्वेशन बनानी है, तो पहली इक्वेशन मैंने तैयार कर दी है, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो हम आपको बुक में दिया है कि ऊपर पहले की जो 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 3.3 पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करनी है। तो अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं कि सेकंड कंडीशन इसमें है क्या है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है हमारे को कि वन नंबर इज 3 times द अदर नंबर। तो एक नंबर है तो मान लो कि जो y है बड़े वाला ही होगा 3 times, ठीक है। क्यों होगा बड़े वाला 3 times? ऑब्वियसली बात है, छोटे वाला तो होने वाला नहीं है 3 times। तो आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी 3 times आया, छोटे वाला 3 times करना है, ऐसा भी हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जब इसका आंसर आएगा तब हम उसको देख लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट की बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए जो मैं आपको ये पुटिंग द वैल्यू बोल रहा हूं, जो मैंने वीडियो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो शेयर किया है आपको, तो उनमें आपको डिटेल में बताया गया है कि हमने कैसे वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हाँ बस y की वैल्यू पहले ही आ गई है। तो हमने सेकंड से ली है वैल्यू, देखो सेकंड आई है हमारे पास वैल्यू वाली, तो सेकंड की वैल्यू किसमें डालेगा, फर्स्ट में डालेंगे टू गेट, ठीक है। तो हाँ बस क्या आने वाला देख लीजिएगा। तो y जो है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x है। तो ये जो y है इसकी जगह में लिखेंगे हम क्या 3x, क्योंकि y किसके बराबर अभी 3x। तो हम जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं, तो देखिए y की जगह लिखना मैंने 3x, तो यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। तो माइनस का साइन लगा लेंगे, x इज इक्वल टू हाउ मच 26। तो इक्वेशन में लिखा हुआ है हमारे पास पहले से ही, वही लिखना है, बाकी y की जगह 3x लिखा, बाकी जो वहां से आगे इक्वेशन है वो एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो यहाँ देखिए लाइक टर्म है, 3x भी लाइक टर्म है और x भी लाइक टर्म है, मतलब 3x और x जो है दोनों लाइक टर्म है, पर साइन इसके अलग अलग है। तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि 3x से मैंने एक x निकाला तो 2x बच गया मेरे पास, 2x इज इक्वल टू हाउ मच 26। तो आप देखिए वेरिएबल इजी हो जाता है निकालना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 26/2। तो देखिए जब भी हम कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं जो उसके साथ वाला कोफिशिएंट है वो आपका राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट टर्म उसके साथ डिवाइड हो जाता है। तो ये मैंने HCF के थ्रू 13 में पास आंसर आएगा, x इज इक्वल टू हाउ मच 13। देखिए x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में लिख सकते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू निकलती है तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू जो है हम किसमें रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख सकते हैं। देखिए क्यों रख सकते हैं, क्योंकि उससे y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 3 × x, x की वैल्यू आ गई है, तो इससे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x, x की जो वैल्यू है हम उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लेंगे। सेकंड में रखने से हमारे को क्या होगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y हम निकाल देंगे। देखिए अब जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, अगर ये भी याद रखेंगे तो हमारे को समझ आ जाता है कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हम किस में डाल दिया, सेकंड इक्वेशन में। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड से ही निकलेगी, तो फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर थर्ड में डालने वाला हूँ। तो रख लेते हैं y इज इक्वल टू कितना हमारे पास 3 × x की वैल्यू कितनी हमारे पास 13 है, तो y इज इक्वल टू कितना है हमारा 13 × 3 जाता है 39, ठीक है। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है, देयरफॉर द नंबर्स आर x इज इक्वल टू हाउ मच 13 एंड y इज इक्वल टू हाउ मच 39, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो देखिए हम चेक भी कर सकते हैं इसको कि आंसर जो है हमारा सही है कि नहीं है, इट इज 3, 39, ये है हमारे पास 39, ठीक है। तो हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, तो डिफरेंस दोनों नंबर का है, पहला नंबर 39 है, मैं पहले बोल चुका हूँ कि x हमने छोटा लिया था, y बड़ा लिया था, 13 माइनस, अगर हम 39 − 13 करते हैं तो इज इक्वल टू हमारे पास 26 आएगा। देख लीजिए 26 आया है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल
सही है। दूसरी कंडीशन क्या बोली थी हमने कि y इज इक्वल टू 3x माना था हमने, y इज इक्वल टू कितना माना था 3x, तो मतलब कि जो आपका एक नंबर है दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो 3 गुना क्या मैंने इसको 3 गुना 13 किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 किया तो 39, तो इट मींस कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो और आप किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ज़्यादा वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।